बच्चे मन के सच्चे, सेहत से हो अच्छे, ये वो नन्हे फूल है जिनको जंक फूड लगते अच्छे, राइट। रोज रोज सब्जी रोटी खा के परेशान हो गए हो, कुछ चटपटा तीखा मीठा स्वादिष्ट खाना चाहते हो तो जरूर खा। आपको यही बताने के लिए मैं डॉक्टर सीमा पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर वीएमबी कॉलेज, लाइफ मेंबर ऑफ आईटीए, ट्रेजरर ऑफ होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन नागपुर चैप्टर, आपके सामने आई हूँ। बेटा एक ही खाना खाने से परेशान हो गए हो, खाने में वैरायटी चाहिए तो अलग अलग रंगों का खाने में प्रयोग करो, जैसे लाल पीला नीला हरा बैंगनी, इंद्रधनुष के सभी रंगों का खाने में प्रयोग करो, तभी खाना अच्छा बनेगा और पोषक बनेगा। अच्छा मसल्स के बारे में सोच रहे हो, बेटा मसल्स तभी बनेंगे जब रोज एक्सरसाइज करोगे और एक्सरसाइज करने के साथ साथ खाने में प्रोटीन होगा। अब प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दूध, दूध के सभी पदार्थ, इसके साथ साथ अंडा मांस मछली, इसमें बहुत अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन आपको मिलेगा। अगर आप मांस मछली नहीं खाते हो तो सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स इन प्लांट प्रोटीन, सोयाबीन के ढेर सारे पदार्थ आप खा सकते हो। अगर आप तेज तर्रार तीखा खाना पसंद करते हो तो सोया रस्सा वाला, सोया वड़ी, सोया चंक्स बहुत अच्छे हैं। मीठा खाना पसंद करते हो तो सोयाबीन की खीर, सोया दूध ये भी अच्छा है, सोया आटा के लड्डू ये भी बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। चटपटा खाना पसंद करते हो तो सोयाबीन की भेल बहुत चटपटी बनती है। तो इन खाद्य पदार्थों का मजा लो, आस्वाद लो, सेहत भी अच्छी रहेगी और मसल्स भी अच्छे बनेंगे। बेटा आपको पता है हमारे बाल नाखून स्किन इन सभी में प्रोटीन है और इसीलिए हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए। आपको पता है हमें कितना प्रोटीन आवश्यक है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, इतने प्रोटीन की जरूरत हमें रोज लगती है, यानी जितना आपका वजन हो उतने ग्राम्स प्रोटीन आपके खाने में होने चाहिए। तो ध्यान दो कि आपके खाने में प्रोटीन है कि नहीं। ध्यान रखो स्वादिष्ट खाने के साथ साथ खाना पोषक होना चाहिए और खाना